अब राक्षस भी उसके पीछे आ जाता है, पर अलेक्जेंडर उसे जैसे तैसे करके नीचे गिरा देता है और जाल के अंदर चला जाता है। पर वो राक्षस दोबारा से उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए वही छोटा बच्चा आ जाता है जो राक्षस को आग से डराकर पीछे हटा देता है। लेकिन बाद में वहां पर शिक्षक के चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि अब राक्षसों ने शिक्षक को पकड़ लिया था और उसे अपने साथ ले जा रहे थे। अलेक्जेंडर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे नहीं बचा पाया और इसके अलावा उसकी मदद करने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। अलेक्जेंडर को लोगों ने बताया कि अगर वे किसी की मदद करते हैं तो दूसरे दिन उनका भी मरना तय है, इसलिए कोई किसी की मदद नहीं करता है। फिर छोटे बच्चे ने उसे राक्षस के घर का पता बताया। अलेक्जेंडर ने वहाँ पर जाकर देखा तो पता चला कि वो तो एक AI रोबोट था, ना कि राक्षस। AI ने अलेक्जेंडर को बताया कि इंसानों ने बचने के लिए भूमिगत रहना ही उचित समझा और इस कारण धीरे धीरे उनका शरीर विकसित होकर एक दानव के रूप में बदल गया और जो ऊपर आ गए उनका शरीर वैसे का वैसा ही रहा। फिर AI ने अलेक्जेंडर को भूमिगत राक्षस का पता बताया। उसने AI के बताए रास्ते का अनुसरण किया तो उसे वहाँ पर एक बड़े राक्षस के मुंह वाला दरवाजा मिला। पार्ट 5 के लिए लाइक और कमेंट करें।